तो मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेट और वेब पेज डिजाइनिंग के अंतर्गत वेब पेज की कुछ थ्योरिटिकल बातों को साझा किया था। आज हम प्रोग्राम बनाकर देखेंगे, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट हैं मेरे वो तो उन्हें मैं प्रोग्राम बनवा चुका हूँ तो उन्हें थोड़ा बहुत याद भी होगा था, कुछ लोग भूल गए होंगे तो वे भी एक बार रिविजन कर लेंगे। जो नए लोग हैं जिनके HTML बिल्कुल नहीं आता है, जो स्टार्टिंग है बिल्कुल जिनकी HTML के अंतर्गत, तो उनके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। HTML में सबसे पहले जब हम HTML का कोई प्रोग्राम नोट करते हैं, टाइप करना शुरू करते हैं, तो वो करते हैं नोट पैड के अंदर। तो आपको सर्वप्रथम अपने PC में, अपने कंप्यूटर में नोट पैड को सर्च करना है। नोट पैड आपको मिलेगा एसेसरीज के अंदर, तो एसेसरीज में जाके हम नोटपैड ढूंढते हैं, या फिर यदि आपको डायरेक्टली खोलना है तो आप विंडो की के साथ R दबाएं और नोटपैड सर्च कर दें, आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रोग्राम को टाइप करना शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, HTML प्रोग्राम जो होता है वो स्टार्ट भी HTML टैग से होता है और क्लोज भी HTML टैग से होता है। इसके पश्चात हेड टैग आएगा, हेड के अंदर हम टाइटल टैग रखते हैं। यहाँ पर जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे जो टाइटल है वह, तो आपके इच्छा अनुसार आप कोई भी टैग डाल सकते हैं नाम के अंदर। थोड़ी सी साइज में बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको देखने में समस्या ना हो। यहाँ पर मैं जो प्रोग्राम है उसका नाम डाल रहा हूँ, माय फर्स्ट प्रोग्राम। और यहाँ पर हम फिर से इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा टाइटल टैग हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। जब टाइटल हमारा क्लोज हो गया तो हम हेड को भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। हेड को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी वाला पार्ट हेड के जस्ट नीचे होता है। यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट डालना चाहते हैं वह, या फिर जो इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं वह, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप शुरुआत में थोड़ा सा आपको सरल लगे। बॉडी के अंदर मैं लिख रहा हूं हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज HTML वेब डिजाइनिंग पेज एंड दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अभी जो हेलो स्टूडेंट है यहाँ पे हम एक हेडिंग टैग लगा के देखेंगे, तो यहाँ पे हम हेडिंग टैग का यूज करेंगे H1 जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और इस टैग के अंदर जो भी डाटा हम डालेंगे वह हेडिंग के रूप में आएगा। यहाँ पे H1 को मैंने क्लोज कर दिया है। उसके पश्चात पैराग्राफ टैग का हमने सोचा था। अब यहाँ पे यदि मैं BR टैग का यूज करता हूँ, जो BR टैग हमने यूज किया था, यदि BR टैग का हम यूज करते हैं तब ही ये हेलो स्टूडेंट से बाकी की जो लाइनें मैंने नीचे लिखी है ये ब्रेक हो पाएगी। नहीं, यदि मैंने BR टैग का यूज नहीं किया यहाँ पर तो हेलो स्टूडेंट के जस्ट बाद उसी लाइन के अंदर दिस इज HTML वेब पेज डिजाइनिंग वाली लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने BR टैग का यूज किया है। इसके पश्चात इतना लिखने के बाद मैं बॉडी टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ तथा HTML जो हमारा प्रोग्राम क्लोज करने का टैग है वह भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब इसे हमें सेव करना है। ध्यान रखिए जब सेव करेंगे तो आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट, जो प्रोग्राम की लोकेशन रखनी है वो आप चूज कर लें।
तथा इसके बाद जो भी आप नाम, जैसे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम नाम रखा है और इसके पश्चात .html लगाना ना भूलें। यदि आपने ये html लगाना भूल गए तो आपका जो प्रोग्राम है वो html प्रोग्राम के अंतर्गत सेव नहीं होगा। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप के अंदर सेव किया था, तो हम डेस्कटॉप पे जहाँ पे प्रोग्राम सेव हुआ है, ये देखिए क्रोम के अंतर्गत क्रोम का आइकॉन बनाया है क्योंकि वेब पेज प्रोग्राम था फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो बनकर तैयार हो चुका है। हेलो स्टूडेंट, जो कि हमने H1 के अंदर डाला था, H1 यानी हेडिंग के रूप में डाला था, तो यह हेडिंग थी इसलिए डार्क हो गई और बड़े भी हो गए अक्षर आपके। इसके पश्चात हमने BR टैग लगाया था। यदि हम यहाँ पे BR टैग नहीं लगाते तो ये जो नीचे वाली लाइन है, दिस इज HTML वेब पेज डिजाइनिंग पेज एंड दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, यह लाइन हेलो स्टूडेंट के जस्ट बाद से शुरू होती है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से मैंने BR टैग हटा लिया है और इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया है और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए ये जस्ट ऊपर आ गई है और यदि मैं इसे इसके साथ कर देता हूँ तो यह इसके जस्ट पास में। अब यदि हम यहाँ पे इनके बीच में BR टैग इनके बीच में भी लगाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे मैंने BR टैग लगाया तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह कुछ बदल जाएगा। देखिए जहाँ भी आप BR टैग लगाएंगे वहां से जो लाइन है वह ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर इंटर से कोई कार्य नहीं होता है। यदि आप बीच में बहुत सारा स्पेस भी दे दें या बहुत सारा इंटर भी दे दें, देखिए मैंने स्पेस भी दे दिया है, इंटर भी दे दिया है और इसको सेव कर दिया है, तो प्रोग्राम के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। कितनी ही बार मैं रिफ्रेश करूं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए टैग ले देना पड़ता है। यदि मैं यहाँ पर BR टैग का यूज़ 3 बार कर दूँ तो जैसी स्थिति हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है वही स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। देखिए तो वेब पेज डिजाइनिंग में HTML प्रोग्राम के अंतर्गत हर किसी रिएक्शन के लिए एक टैग जरूरी होता है। अब जैसे हमने बोल्ड टैग दे दिया, इटैलिक टैग दे दिया और अंडरलाइन टैग दे दिया, तो पूरी लाइन में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लग जाएगा। मैं यहाँ पे बी टैग लगा देता हूँ, इसके बाद इटैलिक टैग लगा देता हूँ और अंडरलाइन टैग भी लगा देता हूँ। इस लाइन के अंदर मैंने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन टैग लगाया है। अब जितने भी टैग मैंने लगाए हैं उन सबका क्लोजिंग टैग लगाना अनिवार्य है, वरना जो पूरा डाटा है उन सब के अंदर बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन का इफेक्ट लग जाएगा। ये मैंने फिर से इसे रिफ्रेश किया सेव करने के बाद, तो आप देख सकते हैं जो पहली लाइन थी उसमें बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन तीनों गुण आ चुके हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से हम HTML का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। यह छोटा प्रोग्राम है और इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल मैंने नहीं डाला है क्योंकि यह हमारी शुरुआत है। यदि शुरुआत में कुछ हैवी करवा देंगे तो आप HTML की क्लास या HTML के वीडियो देखना ही बंद कर देंगे। इसलिए HTML भी ज़रूरी है सीखना, आप बेसिक सीखें उसके साथ HTML भी सीखें, HTML के वीडियो देखें और उसके अनुसार अपने PC में बनाएं प्रोग्राम को। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।